विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। और आप मनन कर रहे हैं, आपकी दुखतीनस क्या है? आपको जब कोई कुछ कहता, क्या कहता है जब आपको लगता है मेरी दुखतीनस पर हाथ रख रहा है, उसको मालूम है मैं इस पर चिढ़ता हूं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगा है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है, यह कृपा का एहसास है, यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से
मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें, ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभेच्छा सबकी पूरी हो। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ये टॉपिक समझने के लिए एक एग्जांपल सुनो। एक नौकर है, मालिक को बताता है कि मेरे पुराने मालिक के बेटे की शादी है, तो कृपया आप भी चलो। और मालिक को नौकर से प्यार है, उसकी वफादारी पर वो खुश है, तो कहता ठीक है तुम्हारे साथ मैं शादी पर चलता हूँ। अब ये मालिक अपने नौकर के साथ, दोनों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, नौकर भी साथ में जा रहा है, दोनों गए हैं शादी पर। और कार में उतरते वक्त मालिक का कुर्ता फट गया। अब ये कैसे जाए अंदर? तो नौकर को कहता है कि तुम्हारा कुर्ता मुझे दे दो। अदली बदली करते हैं, क्योंकि उसने बहुत अच्छा पहना होता है कुर्ता, शादी पर आया है, पुराना मालिक भी खुश था, इनविटेशन दिया है। तो अब सेठ ने पहनी है जो ड्रेस, वो है नौकर की, मगर ये किसी को पता नहीं है। अब ये दोनों गए हैं शादी में, अब ये जो नौकर है इंट्रोडक्शन करवा रहा है, ये मेरे ग्रेट मालिक हैं। मालिक को तो अच्छा लगेगा, तारीफ कर रहे, इनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, सिर्फ ये कुर्ता मेरा है। उस मालिक को तो इतना गुस्सा आ रहा था अंदर से, जैसे ही सामने वाला चला गया, मतलब पागल है कि कार के साथ कुर्ते की क्यों बात कर रहा है। माफी माफी। फिर कोई दूसरा मिलता है तो बता रहा है कि देखो हमारे सेठ जी हैं, उनकी लाखों रुपए की तो अंगूठियां हैं जो पहनी हुई है ना, जूते देखो लंदन से मंगाए हुए, सिर्फ कुर्ता मेरा है। आपको मनन करना है कि आपकी दुखती नस सेठ जी वाली है या नौकर वाली है। तो हर पर्सन से इंट्रोडक्शन करवा रहा है, इनकी जो कंपनी है उसमें इतने इतने लोग काम करते हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कुर्ता मेरा है। हर बार डांटते हैं इसको, तू पागल हो गया है क्या, ये बोलने की आवश्यकता थी? अरे नौकर को समझ नहीं आ रहा है कि ये सेठ जी की दुखती नस है। अब नौकर जो कभी अमीर बना नहीं, उसको कहां मालूम अमीरों की दुखती नस क्या होती है। जो गरीब है उनको पता नहीं अमीरों की दुखती नस क्या है, अमीरों को मालूम नहीं है गरीबों की दुखती नस क्या है। और आप मनन कर रहे हैं आपकी दुखती नस क्या है। आपको जब कोई कुछ कहता, क्या कहता है जब आपको लगता है मेरी दुखती नस पर हाथ रख रहा है, उसको मालूम है मैं इस पर चिढ़ता हूं, फिर भी वही कहता है। बच्चे कुछ माँ बाप को कहते हैं, माँ बाप कुछ बच्चों को कहते हैं, बच्चे बोलते मम्मी को मालूम भी है फिर भी वो ऐसा बोलती है, पप्पा को मालूम भी है ऐसा मत बोलो फिर भी वो वैसा बोलते हैं, फिर भी वैसा करते हैं। तो हमारी ऐसी दुखती नसें कितनी हैं, मनन करने वाला प्रश्न है ये कि वाकई कौन सी बच्ची हैं। कई दुखती नसें समाप्त हो गई, अभी वहां हाथ लगाओ तो कुछ दर्द होता नहीं है, कई दर्द लेकर आप आए थे, कई हील हो चुके, मर कुछ हैं वे कीमती हैं, कुछ हैं वे कीमती हैं। ये आपकी
मुक्ति के लिए वेट कर रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमें लेकर टैकल करेंगे, कब ये मेरे साथ बैठेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।